सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर में। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा एक एलिमेंट्री नेटवर्क थ्योरम में से एक है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रेसिस्टेंस RA, RB और RC है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस हमारा R1, R2 और R3 ये हमारा स्टार कनेक्शन शो कर रहा है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारा कोई सर्किट सिंपल सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक से इजीली सॉल्व नहीं हो पाता, तो हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों रेसिस्टेंस नेटवर्क इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होंगे। कब इक्विवेलेंट होंगे? यदि जब हम किसी एक पेयर ऑफ टर्मिनल के बीच में रेसिस्टेंस इसका मेजर करेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि इस डेल्टा कनेक्शन में हमारा जितना रेसिस्टेंस पेयर ऑफ टर्मिनल 1 और 2 के बीच में होगा, उतना ही हमारा रेसिस्टेंस इस पेयर ऑफ टर्मिनल स्टार नेटवर्क में 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। मीन्स RC इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये पेयर ऑफ टर्मिनल 1 और 2 के बीच में और इस पेयर ऑफ टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, दोनों हमारा रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी नेटवर्क को डेल्टा से हम लोग स्टार में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, ठीक है, जब हमारा करंट 1 के अक्रॉस फ्लो करेगा, ठीक है, जब हमारा करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, ठीक है, इसके अक्रॉस, इस पेयर ऑफ टर्मिनल के अक्रॉस हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि इस पेयर के अक्रॉस हम लोग रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये RA और ये RB हमारा सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों कंबाइंड हमारे इस RC के पैरेलल में आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, RC पैरेलल टू RA प्लस RB, ठीक है। जब हम लोग रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं पेयर ऑफ टर्मिनल 1 और 2 के बीच में, तो हमारा क्या हो गया, RC पैरेलल टू RA प्लस RB, ठीक है। अब जब हम लोग जान रहे हैं कि दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल होता है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, RC इंटू RA प्लस ऑफ RB, ठीक है, अपॉन में RA प्लस RB प्लस RC, इसे इक्वेशन 1 आप मान लीजिए, ठीक है। ये फिगर 1 में हुआ। अब हम लोग फिगर 2 में देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन फिगर 1 नहीं, यहाँ ए से मैंने शो किया है तो ए बताऊंगा मैं, इन फिगर ए, ठीक है। अब इन फिगर बी में आप देखिए, फिगर बी में क्या है, रेसिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 की हमारा इक्वेशन, इसे आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके, अब हम लोग जानते हैं कि सिंस बोथ नेटवर्क आर इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट, हमारे ये दोनों नेटवर्क डेल्टा और स्टार इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होगा जब हम किसी एक पेयर ऑफ टर्मिनल के बीच में रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, इस स्टेटमेंट से, R1 प्लस R2 इक्वल टू RC इंटू RA प्लस RB अपॉन में
आर ए प्लस ऑफ आर बी प्लस ऑफ आर सी, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली हमारा आर टू प्लस ऑफ आर थ्री क्या हो जाएगा, आर टू और आर थ्री, मतलब हम लोग इसके अक्रॉस देख रहे हैं, आप पेयर ऑफ टर्मिनल टू और थ्री के अक्रॉस देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप टू और थ्री के अक्रॉस, जब हम लोग कोई करंट हमारा इस पॉइंट टू से फ्लो करेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आर बी और आर सी सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, और आर ए के पैरेलल हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू आर ए इन टू ऑफ आर बी प्लस आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इसे, जब हम लोग पेयर ऑफ टर्मिनल टू और थ्री के क्रॉस देखें, ठीक है। तो क्या हो गया, आर ए पैरेलल हो गया हमारा आर बी और आर सी सीरीज में हो गया। तो इसे इक्वेशन आप एक काम कीजिए फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। अब वैसे ही सिमिलरली हमारा आर थ्री प्लस आर वन क्या हो जाएगा, आर थ्री और प्लस आर वन, मतलब पेयर ऑफ टर्मिनल वन और थ्री के बीच में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टर्मिनल वन और थ्री के बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो ये आर बी अब पैरेलल हो जाएगा आर ए और आर सी सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये हमारा इस दोनों के ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आर थ्री प्लस आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू आर ए प्लस ऑफ आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए जब फोर को हम लोग थर्ड में माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आर टू से आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, आर वन माइनस आर थ्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर वन माइनस आर थ्री इक्वल टू आर वन माइनस आर थ्री इक्वल टू आर बी इंटू आर सी माइनस आर ए इंटू आर बी, अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है, आर बी इंटू आर सी माइनस आर ए, आर ए आर बी इंटू आर सी माइनस आर ए इंटू आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इसे आप इक्वेशन सिक्स्थ मान लीजिए, ठीक है। बेसिक इसमें कुछ नहीं किए हैं, फोर को थर्ड में माइनस किए, ठीक है। अब लास्टली आप क्या कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन सिक्स एंड इक्वेशन फाइव, अब छठे को पांचवें में आप ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करने पर छठे को आप पांचवें में ऐड कर रहे हैं तो इससे हमारा आर वन निकल सकता है, ठीक है, हाँ आर वन निकल सकता है, ये जब ऐड करेंगे तो आर थ्री से आर थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आर वन क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बी इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से आर वन निकल गया, ठीक है। इसे आप इक्वेशन सेवन मान लीजिए, वैसे ही हमारा आर टू और आर थ्री क्या हो जाएगा, सॉरी वैसे ही हमारा इक्वेशन वैल्यू आर टू का हमारा हो जाएगा आर ए इंटू आर सी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस ऑफ आर सी, वैसे ही हमारा आर थ्री का भी वैल्यू हो जाएगा आर ए इंटू आर बी अपॉन में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो ये हमारा R1, R2 और
R3 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, जब हम लोग ने किसी नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क को किसी स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये हमारा R1, R2 और R3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 8 डाल दीजिए और इसे इक्वेशन 9 नंबर डाल दीजिए। तो ये वैल्यू आप लोग कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे इस वैल्यू से आप लोग डायरेक्ट कोई किसी एक डेल्टा को स्टार नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।